अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर संत हिरदाराम नगर के रहवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही महिलाओं ने राम भगवान के चित्र वाली राखी नरेंद्र मोदी को भेजी है। इनका कहना है कि मोदी ने राम मंदिर बनवाकर सबसे बड़ा उपहार दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर संत हिरदाराम नगर की महिलाओं ने अपने हाथों से राम भगवान के चित्र वाली राखी बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है। इस अवसर पर सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने राखी के अवसर पर देश की सभी बहनों को राम मंदिर बनाकर सबसे बड़ा उपहार दिया है। इनके लिए सभी बहनों ने नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है और उनके लंबी आयु की कामना की है। महिलाओं ने बताया कि हाथों से बनाई गई ये राखियां मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी जा रही हैं, जिनके कारण अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर का फैसला लिया है, जो राम मंदिर बनने जा रहा है, वो हम सब हिंदू भाइयों के लिए गौरव का क्षण है। आज सभी बहनों ने यहाँ उपस्थित होकर भगवान श्री राम जी की राखी माननीय नरेंद्र मोदी जी को यहाँ उपहार के रूप में इनको कुरियर के माध्यम से वहाँ भेजी जाएगी और नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सभी उत्साह से पूर्वक हम सभी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।